हाँ जी, गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा, हम ईवीएस का आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, लर्न बाय प्लेइंग, कि खेलते खेलते सीखना। ठीक है, टुडे इज संदीप्स बर्थडे एंड हिज पेरेंट्स हैव गोन टू द बाजार टू बाय अ केक। संदीप का बर्थडे है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बाजार गए हैं उसके लिए केक खरीदने। संदीप वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर। संदीप जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। इन द मीन टाइम हिज फ्रेंड अशरफ केम। उसी बीच में उसका फ्रेंड अशरफ आ गया। ही ब्रॉट अ ब्यूटिफुल पिक्चर एज अ गिफ्ट। वो उसके लिए एक ब्यूटिफुल सी सुंदर सी तस्वीर लेके आया एज अ गिफ्ट। अशरफ टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, कि वो पेंटिंग का बड़ा शौकीन था। ही स्पेंड्स हिज फ्री टाइम इन मेकिंग पिक्चर्स। वो अपना फ्री टाइम किस में स्पेंड करता है? पिक्चर्स बनाने में। द ग्रैंड फादर बिकेम वेरी हैप्पी। उसके जो ग्रैंड फादर थे ये सुन के बड़े खुश हुए। संदीप्स अदर फ्रेंड हरजीत, सैमुअल एंड सुनील ऑल्सो केम। इसी बीच में सुरजीत के बाकी फ्रेंड्स भी, संदीप के बाकी फ्रेंड्स भी आ गए, हरजीत, सैमुअल एंड सुनील। द ग्रैंड फादर वॉन्टेड टू नो हाउ द चिल्ड्रन स्पेंड देयर फ्री टाइम। तो जो दादाजी थे संदीप के, वो ये जानना चाहते थे कि बच्चे अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। तो देखो, ग्रैंड फादर, डियर चिल्ड्रन, अशरफ स्पेंड्स हिज फ्री टाइम वेरी वेल। कि बच्चों, अशरफ जो है अपना फ्री टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करता है। टेल मी व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। मुझे बताओ तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। सुनील, ग्रैंडफादर, आई लव फ्लावर्स, आई लुक आफ्टर माई गार्डन एट होम। सुनील ने बताया कि मुझे फूल बहुत पसंद है, मैं अपना जो घर पे गार्डन को देखने में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ फ्री टाइम में, कहता। हरजीत, ग्रैंडफादर, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कबड्डी लाइक संदीप। मुझे एक संदीप की तरह कबड्डी खेलने का बड़ा शौक है। ग्रैंडफादर, सन, वन मस्ट हैव प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग ब्रेथ अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ एंड एक्टिवनेस टू प्ले कबड्डी। दादाजी ने क्या कहा कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ की जरूर, मतलब लंबी सांस की और साथ में स्ट्रेंथ और एक्टिवनेस की नीड होती है कबड्डी खेलने के लिए। सो यू शुड प्रैक्टिसाइज योगा एंड प्राणायाम अलॉन्ग विद एक्सरसाइज। तो तुम्हें योगा और एक्सरसाइज एक्सरसाइज के साथ साथ योगा करना चाहिए। इट इज़ यूजफुल टू होल्ड ब्रेथ फॉर लॉन्ग। ये तुम्हारी सांस रोकने के लिए, लंबे समय तक सांस रोकने में मदद करेगा। फाइनली सैम्यूल सेड दैट ही प्लेड वीडियो गेम्स एंड चेस इन हिज फ्री टाइम। इसी पे सैम्यूल ने कहा कि वो अपने फ्री टाइम में वीडियो गेम्स और चेस खेलता है। ग्रैंडफादर एडवाइज सैम्यूल दैट प्लेइंग अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स कैन वीकन हिज आईट साइड। ग्रैंडफादर ने बताया कि ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से सैम्यूल तुम्हारी आंखें भी खराब हो सकती है। वेन चिल्ड्रन आस्क ग्रैंडफादर अबाउट हिज चाइल्डहुड, जब बच्चों ने ग्रैंडफादर से उनके बचपन के बारे में पूछा, ही टोल्ड, उन्होंने बताया, इन आर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में वी हैड नो टेलीविजन और वीडियो गेम्स एज यू हैव। हमारे पास ना तो कोई टेलीविजन होता था ना वीडियो गेम होती थी जैसे तुम लोगों के पास है। सिंस माई चाइल्डहुड आई लव रेसलिंग। मैं अपने बचपन में क्या पसंद करता था? रेसलिंग। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन कुश्ती अखाड़ा प्रैक्टिसाइज रेसलिंग। मैं अपना ज़्यादातर समय जो था कुश्ती के अखाड़ों में बिताता था, कहते, रेसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। अनलाइक टुडे, आज की तरह, रेसलिंग मैचेस वर नॉट प्लेड ऑन द मैट्रेसेस बट ऑन द सॉफ्ट प्लग्ड सॉयल। कहता आज की तरह नहीं, कि जैसे आजकल क्या होता है, जो रेसलिंग मैचेस हैं वो गद्दों पे किए जाते हैं, उस टाइम में सॉफ्ट प्लग्ड सॉयल, मिट्टी पे किए जाते थे, सॉफ्ट मिट्टी पे। समटाइम्स बाजीगर्स यूज टू कम इन द विलेज। कई बार बाजीगर्स जो थे, कलाबाजियाँ जो दिखाते हैं, वो हमारे गांव में आते थे। द ट्रिक्स प्लेड बाय देम वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द विलेज। जो जो ट्रिक्स वो करते थे वो हमारे गांव में एंटरटेनमेंट का साधन होती थी। अशरफ सेड, अशरफ कहता है, आई हैव नेवर सीन द बाजी। मैंने कभी बाजी नहीं देखी। हाउ इज इट लाइक, ये कैसी दिखती है, कैसी होती है? ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, यस, बाजी हार्डली कुड बी सीन नाउ अ डेज। आजकल के दिनों में बाजी बहुत मुश्किल से मिलती, देखने को मिलती है। अनाउंसमेंट्स वर मेड इन एडवांस। पहले कहता है अनाउंसमेंट्स कर दी जाती थी इन द विलेज, गांव में, वेयर द एरोबिटिक
एक्रोबेटिक स्किल्स वर टू बी परफॉर्म्ड, कि जहाँ पे ये कलाबाजियाँ दिखाई जानी थी वहाँ वहाँ पे विलेज में पहले ही एडवांस में अनाउंसमेंट की जाती थी. ऑन द पर्टिकुलर डे एक्रोबेटिक्स यूज टू शो देयर ट्रिक्स विच वर कॉल्ड बाजी. एक पर्टिकुलर डे पे आके वो कलाबाजी जो करने वाले होते थे कलाबाज, वो अपनी ट्रिक्स दिखाते थे जिसको हम बाजी कहते थे. पीपल वर नेबरिंग विलेजेस, साथ के गांव वाले लोग भी जो थे, गैदर इन लार्ज नंबर, बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती थी वो बाजी देखने के लिए. संदीप आस्क क्यूरियसली व्हाट वुड दीज बाजीगर यूज टू शो. संदीप बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि ये बाजीगर्स क्या शो करते थे. ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उन्होंने कहा, वॉकिंग ऑन द रोप, रस्सी पे चलना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मेकिंग ह्यूमन टार्ट्स, जंपिंग थ्रू द फायर फ्लेम्स, जंपिंग थ्रू द आयरन रिंग एंड मैनी मोर स्किल्स. मतलब जो कुछ हम देखते हैं मेलों में कई बार, आजकल बहुत रेयर देखने को मिलता है. इन रिटर्न, बदले में क्या होता था, विलेजर्स वुड गिव दैम मनी, क्लोथ्स, ग्रेन्स एटसेट्रा. जो गांव वाले थे उनको पैसे, कपड़े या अनाज वगैरह दे देते थे. ऑन दिस हिस्पे सुनील सेड, इवेंट्स ऑफ लॉन्ग एंड हाई जंप टेक प्लेस इन अवर स्कूल ऑल्सो, कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के इवेंट्स तो हमारे स्कूल में भी होते हैं. ग्रैंडफादर, स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर सच गेम्स ऑफ ओल्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ फ्यू स्पोर्ट्स फेयर्स नाउ अ डेज. कहते जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है इन गेम्स के पुराने समय वाले, वो कुछ स्पोर्ट्स फेयर्स में आजकल भी दिखाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. वन सच स्पोर्ट्स फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन किला रायपुर. ऐसा ही एक स्पोर्ट्स फेयर जो है, खेल मेला जो है, ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल किला रायपुर में, जो कहाँ है, सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम लुधियाना, लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर. दीज गेम्स आर ऑल्सो नोन एज विलेज ओलंपिक्स, और जहाँ इस मेले में जो खेले खिलाई जाती है उन्हें गांव के ओलंपिक्स भी कहा जाता है. दिस 3 डे विलेज ओलंपिक फेयर स्टार्टेड इन 1993, और ये कब शुरू हुआ था, 1993 में. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी. ये हर साल कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, फेब्रवरी मंथ में. गेम्स रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन मसल पार, इसमें लोग अपनी मसल पार शो करते हैं. विल पार, विल पार होती है इच्छा शक्ति, कि वो अपनी इच्छा से क्या करना चाहते हैं. एंड स्ट्रेंथ आर प्लेड हियर, और अपनी मजबूती शो करते हैं, जैसे कबड्डी खेल कर, रेसलिंग करके, टग ऑफ वार. टग ऑफ वार मीन्स रस्सा कशी, वो होता है कि मतलब ठीक है, पुलिंग अ ट्रक और ट्रैक्टर विद टीथ, दांतों से ट्रक और ट्रैक्टर को खींचना. दीज गेम्स ऑल्सो इंक्लूड सम इवेंट्स लाइक कैमल रेस, बुल्लक कार्ट रेस, डॉग रेस एंड हॉर्स डांस एट्सेट्रा. ठीक है जी, इन गेम्स में कुछ और भी होता है, जैसे कैमल रेस, ऊँटों की रेस हो गई, बुल्लों का रेस हो गई, डॉग रेस हो गई, एट्सेट्रा. इन ओल्ड टाइम्स मैन यूज सर्टेन वेपन्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. पुराने समय में लोग कुछ वेपन्स का, हथियारों का यूज करते थे अपने आप को दूसरे बंदों से बचाने के लिए या जानवरों से बचाने के लिए. ही यूज वेपन्स टू हंट एनिमल्स, वो इन वेपन्स का यूज जानवरों का शिकार करने के लिए भी करते थे. दीज डे वेपन्स आर यूज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो, और इन दिनों में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी यूज होते हैं. सच टाइप ऑफ गेम्स आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल फिटनेस, और इस तरह की गेम जो है वो एंटरटेनमेंट और फिजिकल फिटनेस का स्त्रोत्र होती हैं. यू मस्ट हैव सीन गतका इन नगर कीर्तन्स, गतका जो है खेलते हैं नगर कीर्तन्स में, ये बना हुआ है गतका, ऐसे खेलते हैं बच्चे. और इन सम फंक्शंस में दिस वॉज ऑल्सो यूज एज अ वे ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये अपने आप को बचाने का भी एक तरीका है, सेल्फ डिफेंस. गतका इज अ मार्शल आर्ट, ये मार्शल आर्ट का ही पार्ट है. इन द बिगनिंग विडन रोड एंड अ शील्ड वर यूज टू अटैक और प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द अटैक. पुराने टाइम पे क्या होता था, शुरू शुरू में वुडन लकड़ी की ठीक है रॉड लेके और शील्ड लेके उससे हम अटैक करने से बचाते थे. सम यूनिवर्सिटीज हैव इंक्लूड गतका इन द करिकुलम एंड ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग ऑफ दिस मार्शल आर्ट. कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको करिकुलम में ऐड कर लिया है और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ. गतका इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल लेवल स्कूल गेम्स, इसको नेशनल लेवल स्कूल गेम्स में भी इंक्लूड किया गया है. इन एंशियंट टाइम वॉरफेयर, पुराने टाइम पे मैनी स्किल्स सिमिलर टू गतका वर प्रीवेलेंट. गतका के जैसे ही कुछ स्किल्स दिखाई जाती थी. लेट अस लर्न अबाउट देयर नेम्स एंड द स्टेट्स इन विच दे आर प्रीवेलेंट. कुछ स्टेट्स बताई हैं और कुछ ऐसी गेम्स बताई हैं जहाँ जहाँ ये खेली जाती हैं. गतका पंजाब में, तांगता मणिपुर और कालीप्रयातु केरला.
ये देखो बेटा जी, दोनों गेम्स शो की हुई हैं, ये जो मणिपुर में खेली जाती है और ये जो केरला में खेली जाती है तो सेम गतका की तरह ही। ठीक है, आगे देखो। सिमिलरली अ फ्यू इंटरनेशनल गेम्स आर ऑल्सो फेमस फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एज वेल एज फॉर एंटरटेनमेंट। ये तो थी नेशनल लेवल की, अब कुछ ऐसी इंटरनेशनल लेवल गेम्स भी हैं जो ऐसी सेल्फ प्रोटेक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए हैं। उनमें क्या है, कराटे और ताकवांडो। कराटे खेले जाते हैं जापान में और ये कोरिया में। हाइट एंड चेस्ट आर मेजर्ड फॉर सिलेक्शन इन आर्मी एंड पुलिस। हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की जाती है आर्मी और पुलिस की सिलेक्शन के लिए। गेम्स ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। गेम्स खेलने से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। खेले जो है एक सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बट ऑल्सो हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन इससे हमारी शारीरिक डेवलपमेंट भी होती है। गेम्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग गुड मेंटल हेल्थ। और इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहती है। थिंग्स टू रिमेम्बर क्या है कि स्पोर्ट्स ऑफ किला रायपुर, उनको हम विलेज ओलंपिक गेम्स बोलते हैं। गतका जो है मार्शल आर्ट है। लेयर ऑफ प्लास्टिक ग्रास लेड ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड इज कॉल्ड एस्ट्रोटर्फ। प्राणायाम इज द कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेथ इन योगा। ठीक है, कि क्या समझ आ गई बेटा जी? ये था चैप्टर नंबर 5, लर्न बाई प्लेइंग।